संतुलित आहार क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। एक संतुलित आहार में आपको सबसे पहले जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसको आप सैलेड से शुरू करें। सैलेड हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। आजकल के बच्चे सैलेड नहीं खाते, आपको अपने बच्चों को सैलेड खाने के लिए विवश करना पड़ेगा, जिससे वो अपने शरीर को वो सारी चीज़ें मिल सकें जो आपके शरीर को चाहिए, क्योंकि सैलेड में सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स सब पाए जाते हैं। इसलिए आप सैलेड को खाना चलू शुरू करें और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। खाने में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप पालक का सूप जरूर पिएं, क्योंकि पालक के सूप में आयरन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन, फाइबर सब मिलता है। हमें पालक का सूप बना के पीना चाहिए। वैसे तो आप सब्जी बना के खाएंगे तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, तो इससे अच्छा है सूप पीजिए। और खाने के आप तुरंत बाद कभी भी चाय नहीं पीजिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, आपने खाना खाया और तुरंत बाद चाय पी। चाय कम से कम खाने के 2 घंटे बाद पिए, जिससे हमें शरीर में